मुंबई के मरीन ड्राइव पे और अभी बजे हैं रात के 11:15 बजे और आज इधर आने का एक स्पेशल ओकेजन है क्योंकि मेरी फ्रेंड मेरी कलीग मेरे साथ है जो कि वो कोल्हापुर से है और उसे मुंबई की सैर करनी थी और उसको लग रहा था कि रात को, लेकिन उसको डर लग रहा था कि मुंबई में रात को सेफ है क्या, मैं जा सकती हूँ क्या। मैंने सोचा चलो भाई आज वो भी हम आजमा लेते हैं कि उसको दिखा लेते हैं कि भाई रात को हमारी मुंबई सेफ है या नहीं। तो हम लोग अभी आए हैं मुंबई के मरीन ड्राइव पर और यहाँ से हम जाने वाले हैं ऑल द वे टू जुहू बीच। तो यहाँ से हमारा सफ़र, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको दिखाते हैं कि अगर मुंबई में आपको रात को घूमना है और अगर आप अकेले हैं, आपके साथ अगर कोई सिर्फ अकेली लड़की है, तो क्या आप मुंबई में सेफली ट्रैवल कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा और अगर आज आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि मेरे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको और देखने को मिले। तो अब मैं आपको मिलवाती हूँ मेरी फ्रेंड से, भाग्यश्री से, जो कि अभी बहुत डरी हुई है और थोड़ी कैमरा शाय है वो, तो उसको मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलूँ। मैंने उसको बोला चल एटलीस्ट तू बता दे तेरे को कैसा लग रहा है, एटलीस्ट मिल तो हमारे व्यूअर्स से। हाय, तो कैसा लग रहा है मुंबई में? बहुत ही अच्छा लग रहा है मुंबई में और लग नहीं रहा है कि इतने रात में भी लोग इतने फ्रेश हैं। सो बेसिकली उसको कहना है कि मतलब देखिए आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी भीड़ है अभी भी, मतलब रात के 11:30 बजे और ये कोई वीकेंड नहीं है, आज फ्राइडे है, फ्राइडे नाइट को हम आए हैं, मतलब वीकेंड चालू हो गया है लेकिन अभी उतना चालू नहीं हुआ है, लेकिन अभी से आप देख सकते हैं कि मुंबई की सड़कों पर रात को भी 11:30 बजे कितने सारे लोग हैं और ये ऐसे नहीं कि भीड़ मतलब थोड़ी देर बाद कम हो जाएगी, ऑलमोस्ट 12-1-2 बजे तक भी यहाँ पर आपको ऐसे ही लोग दिखाई देंगे, थोड़ी बहुत भीड़ कम होती है। तो चलो अभी हमारा सबसे बड़ा टास्क है, अभी थोड़ी देर हमें यहाँ पे टाइम पास करना है तो हमें यहाँ पे जगह ढूंढनी है, देखते हैं हमें जगह मिलती है क्या बैठने के लिए। अभी भी डरी हुई है। डर मत उसको लग नहीं रहा है कि मतलब अभी यहाँ से ऑलमोस्ट 1-1.5 बजे तक घूमना है रात को मुंबई की सड़कों पर। लेकिन मैं आज उसको घुमा के ही रहूँगी क्योंकि मुझे ना उसके अंदर का एक थोड़ा सा डर भी निकालना है और हमें रियलिटी चेक भी करना है कि भाई मुंबई में रात को हम कितना सेफली घूम सकते हैं, क्योंकि आज मूड भी था और इसको दिखाना भी था भाई कि मुंबई की सड़कों पर या फिर मुंबई में जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर आप सेफली घूम सकते हैं कि नहीं। क्योंकि अभी हम लोग 11:30 बजे मरीन ड्राइव पर है, यहाँ से हमें जुहू बीच जाना है, लेकिन हमें सोचा कि यहाँ से थोड़ा टाइम पास करते हैं उसके बाद जाएंगे क्योंकि माहौल बहुत यहाँ पर अच्छा है रात के समय पर। अगर मरीन ड्राइव पर आते हो तो बहुत क्लाइमेट ऐसा इतना मस्त लगता है, जो मुंबई को बोलते हैं ना मुंबई सपनों का शहर है, कभी सोता नहीं है और यहाँ पे लोग हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, घूमते रहते हैं, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें ना आपको मुंबई के मरीन ड्राइव में आके दिखने को मिलती है। तो ये जो यहाँ का नज़ारा है ना मुंबई के मरीन ड्राइव का, अलग ही है यार। मतलब यहाँ पर आने के बाद ऐसे नहीं कि आप चलो 15 मिनट 20 मिनट रुके और चले गए, आपका मन नहीं करेगा यहाँ पे आने के बाद कि चलो बस 10-15 मिनट में निकल जाए, आधा घंटा तो कोई भी रुक ही जाता है। तो और इसने तो देखा ही नहीं था मरीन ड्राइव, तो अभी थोड़ी देर यहाँ पे घूम के हम लोग जाएंगे। यहाँ से जो चर्चगेट लोकल है लास्ट वो 1 बजे की है, लेकिन इतना लेट नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ से पहुँचना है विले पार्ले जुहू, जुहू बीच जाने के लिए, तो उसके बाद वहाँ से रिटर्न भी आना है तो हमारी लास्ट लोकल मिस ना हो जाए। तो हमारी कोशिश है कि यहाँ से थोड़ा जल्दी यहाँ से निकल के हम चर्चगेट स्टेशन पहुँचे। जैसे देखा मैंने आपको बोला था कि हम लोग जगह ढूंढ रहे हैं बैठने के लिए और ये हाल है, देखिए कहीं जगह ही नहीं मिल रही यार जहाँ पे हम लोग बैठ के थोड़े गप्पे मारें शांति से। सो फाइनली हमें जगह मिल गई है बैठने के लिए। सो मरीन ड्राइव से निकल के अभी हम जा रहे हैं चर्च के, क्योंकि अभी हम 12 बज गए और हमें ट्रेन पकड़नी है क्योंकि वहाँ से आते वक्त भी हमें लास्ट लोकल मिस नहीं करनी है। लेकिन निकलने के बाद सोचा थोड़ा ठंडा हो जाए क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है और ये देखिए मेरे पीछे नेचुरल्स है, तो सोचा अभी जाते जाते पहले थोड़ा सा आइसक्रीम खा लें। तो मैंगो सीजन है तो मैंगो तो बनता है बहुत,
और ये आ गया टेंडर कोकोनट, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है टेंडर कोकोनट। चलिए हमारा स्टेशन तो आ गया। सो यहाँ पे हमारी ट्रेन देखिए लग गई है और ये है 12:28 की और 12:31 की, 12:31 की अंधेरी है, 12:28 की भाईंदर स्लो लगी है जिसे से हम जाएंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो होमगार्ड्स और पुलिस तो दिख रही है। तो देखिए रात के 12:15 भी मतलब स्टेशन पे कोई टेंशन नहीं है, अच्छी तरह से अभी भी पब्लिक दिख रही है। और ये हम जा रहे हैं लेडीज़ में, और यहाँ पे भी लेडीज़ तो अभी है। सो चलिए कॉर्नर सीट ले लेते हैं। अभी तक तो मतलब ट्रेन चालू नहीं हुई है, लेकिन अभी तक तो हमें दिख नहीं रहा है कोई पुलिस वाला हमारी ट्रेन में चढ़ा हुआ। ट्रेन हमारी चालू हो गई है, लेकिन ये क्या, मुझे लगा था इसमें पुलिस वाला चढ़ेगा, कोई पुलिस वाला ही नहीं चढ़ा है। मतलब रात के 12:30 है, और मैं आपको दिखा दी पूरी ट्रेन, मतलब ये फर्स्ट कंपार्टमेंट है लेडीज़ का जिसमें हमेशा पुलिस रहता है, लेकिन अभी 12:30 लेडीज़ कंपार्टमेंट में पुलिस नहीं चढ़ा है। इट वॉज शॉकिंग फॉर मी। ऐसे माहौल तो मतलब ठीक है यहाँ पर कि अभी ट्रेन में लोग हैं थोड़े दिख रहे हैं, बाकी लोग भी हैं, लेकिन जैसे कि हमने देखा है कि हमेशा 10:00 के बाद मुंबई लोकल में पुलिस चढ़ती है, पुलिस होती है, लेकिन आज देखिए यही मैंने रियलिटी चेक करना था कि अगर मैं लोकल ट्रांसपोर्ट से जा रही हूँ तो क्या मुझे पुलिस प्रोटेक्शन मिल रहा है, लेकिन नहीं है। सो ये देखिए, ये तो फर्स्ट अपनी ट्रेन चालू हो गई है, तो चर्च गेट में हम लोग चले, ये फर्स्ट कंपार्टमेंट है यहाँ से और चालू होता है पीछे तक, कुछ लेडीज बैठी हुई है और पीछे तक कहीं भी पुलिस नहीं है, कहीं भी पुलिस नहीं है। हो सकता है कि आगे जाके किसी स्टेशन पर पुलिस इस कंपार्टमेंट में आ जाए, लेकिन बोल नहीं सकते यार, रात का समय है, कोई भी चेन स्नैचिंग वाला कोई भी आके मतलब चढ़ सकता है लेडीज़ कंपार्टमेंट में, मौके का फ़ायदा उठा सकता है कि भाई चलो कोई पुलिस वाला दिख नहीं रहा है, चलो चढ़ जाते हैं लेडीज़ ट्रेन में। और आज तो चलो वीकेंड चालू हो रहा है, फ्राइडे है, तो मतलब थोड़ी लेडीज़ दिख रही है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब एक या दो ही लेडीज़ होती है अगर आप इतना लेट बैठो, तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग, नॉट डन। आई थिंक कि आगे जाके किसी स्टेशन पे पुलिस इसमें आएगी, देखते हैं, आई होप सो। अभी तो जस्ट चालू हुई है, पहुँचा है मरीन लाइंस, एक ही स्टेशन गया है, आई होप पुलिस इसमें चढ़ेगी। इस स्टेशन पे भी पुलिस नहीं चढ़ी है, नहीं देखिए बाहर एक कांस्टेबल बैठा हुआ है, देख रहे हैं आपको, वो देखिए वो बाहर एक कांस्टेबल बैठा हुआ है, लेकिन इस कंपार्टमेंट में कोई चढ़ा नहीं। सो आप देख रहे हैं मेरी घड़ी में ऑलमोस्ट 1:00 को आया है, और ये है मुंबई का लेडीज़ कंपार्टमेंट जिसमें कोई भी पुलिस नहीं है, और हम लोग अभी पहुंच गए दादर स्टेशन। आप मुझे बताइए अगर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कमेंट सेक्शन में मुझे आप ज़रूर बताना कि अगर आपने इतनी रात को ट्रैवल किया है तो क्या हमेशा आपके कंपार्टमेंट में पुलिस रही है क्या, बिकॉज ये मैंने आपको लाइव एक्सपीरियंस दिखाया है हमारा, जो हम लोग चढ़े हैं चर्च गेट से, हमने जानबूझ के लेट की ट्रेन पकड़ी, एक्चुअली हमें और लेट हो गया क्योंकि अंधेरी से वापस विले पार्ले से वापस आते वक्त हमें लास्ट ट्रेन भी वहाँ पर 1:00 की है, तो हमेशा लगता है शायद हमारी मिस हो जाएगी इसलिए, लेकिन हमें ये चेक करना था कि इतनी रात को, बिकॉज हमारा ये आज का वीडियो ही उसी पर है कि रियलिटी चेक करना था कि मुंबई में क्या हम सेफली ट्रैवल कर सकते हैं रात को लोकल ट्रांसपोर्ट से। अभी अंधेरी स्टेशन आ गया है और अभी तक पुलिस इस कंपार्टमेंट में नहीं चढ़ी है, मुझे लग रहा था कि चढ़ेगी, लेकिन बाद में मुझे जैसे जैसे एक एक स्टेशन आता गया ना, चढ़ नहीं रही थी, तो मुझे पता था कि पुलिस यहाँ पर नहीं चढ़ने वाली है, तो जैसे ही नहीं चढ़ी, अभी अंधेरी स्टेशन आ गया, हम लोग उतरने वाले हैं, ये देखिए अंधेरी स्टेशन आ रहा है और हम लोग उतरने वाले हैं, और इस पूरे कंपार्टमेंट में कहीं भी पुलिस नहीं है। अब मैं उतर के देखती हूँ कि प्लेटफॉर्म पे पुलिस है कि नहीं, 1:00 हैं, क्या हाल है प्लेटफॉर्म का, प्लेटफॉर्म पे तो एटलीस्ट पुलिस तो होना चाहिए। सो ये हम लोग पहुँच गए हैं अंधेरी स्टेशन, देखिए अंधेरी स्टेशन पे पहुँच गए,
और ये देखिए टाइम देख लीजिए, यहाँ पर 1:10 हो गए हैं और यहाँ पे मुझे लग रहा है अभी लास्ट लोकल भी चली गई है। प्लेटफॉर्म पे भी मुझे कहीं पुलिस नज़र नहीं आ रही है। सो इन केस अगर किसी के साथ कुछ इंसिडेंट हो जाता है कंपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि वहाँ पर पुलिस नहीं थी, लेडीज़ बैठी थी सारी, और ऑलमोस्ट 1:10 हो गए हैं, और ऐसे में अगर उतरने के बाद कोई अप्रोच करना चाहे पुलिस को, तो यहाँ पर पुलिस नहीं है, तो मतलब मुझे अगर कुछ करना है, पुलिस को अप्रोच करना है, पुलिस के पास कुछ रिपोर्ट निकालनी है, तो मुझे यहाँ से ऑल द वे जो इनका स्टेशन मास्टर का ऑफिस होगा वहाँ पे जाना पड़ेगा। दिस इज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड यार, मतलब कैसे इतने सारे इंसिडेंट्स होते हैं, बहुत सारे अगर हम पास्ट में भी देखें, नहीं सारी न्यूज़ आती है, और मतलब लेडीज़ सेफ नहीं है, इसके बावजूद भी किसे इस तरह से इतने इर्रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं इंडियन रेलवे, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर एक कोई तो पुलिस वाला मुझे दिखे, उसको मैं पूछूँ कि भाई मेरे कंपार्टमेंट में 1 भी क्यों कोई नहीं था, बट मुझे अभी कोई दिख नहीं रहा है। मुझे लग रहा है भाई मुझे डायरेक्ट स्टेशन मास्टर के ऑफिस ही जाना पड़ेगा। लेट्स सी वहाँ पे कोई मिलता है क्या। और ये हम लोग अंधेरी स्टेशन के ऊपर आ गए, और ये देखिए यहाँ पर कितनी सारी पुलिस है। मैं आता चर्च गेट करून आली, फर्स्ट मतलब कंपार्टमेंट मध्ये एकही पोलीस नव्हता, रात्री 1 हाँ, पण अभी देखिए यहाँ पर इतनी सारी पुलिस है, इतनी सारी पुलिस है, लेकिन हमारे कंपार्टमेंट में एक भी पुलिस नहीं थी, एक भी होमगार्ड नहीं था, और ये मुझे बोलिए शूट मत कीजिए, मतलब हम लोग मतलब इनको पूछ भी नहीं सकते, हमें पूछने का हक भी नहीं है। आप बता सकते क्यों नहीं था। मैंने चर्च गेट से 12:45 की ट्रेन पकड़ी थी, सॉरी 12:30 के आसपास, और 1:10 मैं उतरी हूँ, लेडीज़ कंपार्टमेंट में एक भी पुलिस नहीं था। इतनी सारी पुलिस है यहाँ पे, किसी के पास जवाब नहीं है। आप में से कोई भी बता सकते हैं क्यों नहीं था कोई। कौन है आपके सर? सर आप बता सकते हैं क्यों नहीं था? एक भी पुलिस नहीं थी, कोई तो आप में से जवाब दे सकता है? यहाँ पर इतनी सारी पुलिस है, लेडीज के कंपार्टमेंट में रात को 1 प्रॉब्लम पुलिस नहीं था तो भी प्रॉब्लम हाँ। है इधर पुलिस है तो पुलिस इधर होने से प्रॉब्लम नहीं। आप ऐसे जवाब मत दीजिए मुझे, तो जवाब मुझे ये चाहिए कि पुलिस अच्छा 10 के बाद जवाब देना है। हाँ तो लेडीज कंपार्टमेंट में नंबर है ना, कंट्रोल के नंबर रहते हैं, आप फोन करके बोल रहे। तो मैं पूछ रही थी ना, मैं इनको पूछ रही थी, ये लेडीज पुलिस है, मैं इनको पूछ रही थी, मैंने देखा कि आप यहाँ पे रेलवे पुलिस है, तो ये मेरा फर्ज बनता है आपको पूछना। पुलिस नहीं था डब्बे में तो भी आपको प्रॉब्लम है, इधर पुलिस नहीं था वही तो प्रॉब्लम है। मुझे यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है, मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ पर इतनी पुलिस है, लेडीज कंपार्टमेंट में एक पुलिस क्यों नहीं है, एक भी पुलिस क्यों नहीं लगा ना कंट्रोल रूम को, कैसे फोन करें? तो आप इन्होंने मुझे बोला, आपको इन्होंने मुझे बोला कि जो 1 आप ऐसे मेरे साथ बात मत कीजिए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल हाँ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते अगर मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रही हूँ एक तो फीमेल, अरे तो आप हाँ ऐसे पूछो, मैं ऐसे भी पूछा आपको मैंने, तो आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे। पुलिस है तो भी आपको प्रॉब्लम है, पुलिस नहीं है तो प्रॉब्लम है, पुलिस नहीं कंपार्टमेंट में नहीं थी ना, एक एक नहीं एक आपका ड्यूटी इधर होने दीजिए, कहीं पे मैं स्टेशन मास्टर का ऑफिस ढूंढ रही थी, ठीक है। ये कैसे जवाब दे रहे, देखे मैं इनको पूछ रही हूँ तो ये बोले कि यहाँ पर पुलिस है तो आपको प्रॉब्लम है, वहाँ पर पुलिस नहीं है तो आपको प्रॉब्लम है। अरे मैं सवाल क्या पूछ रही हूँ और ये मुझे जवाब क्या दे रहे, मतलब इनके पास जवाब नहीं है तो ऐसे ऐसे बदतमीजी करेंगे लोग। मैंने इनको फिर मैंने इनको पूछा कि मैं चर्च गेट स्टेशन से चढ़ी हूँ, ठीक है, मेरे लेडीज कंपार्टमेंट में एक भी पुलिस नहीं था, मैंने इसे पूछा, यहाँ पर बहुत सारे पुलिस दिख रहे थे, मैं एक्चुअली चढ़ी थी कुछ 12:30 के आसपास की कोई ट्रेन थी चर्च गेट से, तो मैंने भाई तक स्लो अभी ना हाँ चर्च गेट स्टेशन से हम लोग ओके चर्च गेट स्टेशन से चढ़े थे, 1:10 मैं यहाँ पर पहुँची, ठीक है। पूरे जर्नी में चर्च गेट से लेके अंदर ही तक कोई भी पुलिस नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो स्टेशन मास्टर को भी पूछो, तो वहाँ पे पुलिस होगा, मैं पूछ लेती हूँ ये ऐसे कैसे, कोई तो पुलिस होनी चाहिए। तो मैं जैसे ऊपर आई तो मैंने देखा यहाँ पे
यहाँ पे इतनी सारी सीरीज है, तो एज अ जस्ट एक नॉर्मल सिटीजन होने के बाद मेरे को सवाल पूछना था कि कंपार्टमेंट में पुलिस क्यों नहीं है, कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ऐसे नहीं कि 10-11 बजे का टाइम है, ठीक है। मैंने कुछ गलत बोला था, मैंने कुछ गलत बोला तो, और अभी इससे बात करी थी, ये मेरे पर खाली खाली चढ़े जा रहे हैं। एक आम नागरिक होने के नाते आपको जो भी कुछ कहना है ना, आपने ट्रेवल किया, इतना लंबा ट्रेवल किया, आप पुलिस के पास एक डायरी होती है, वो मांगिए, वहाँ पर कंप्लेंट करिए, कंप्लेंट दर्ज करने के बाद उनसे वो लेटर लीजिए और उसके बाद उसको फॉलो करिए जो सिस्टम है। नहीं नहीं, आप पूछे ठीक है, उसके बाद आपको कंप्लेंट करना है। मैडम है जो हमारे सवाल का जवाब दे। तुम क्या करो मैडम? तो मैं, मेरा सवाल बिना वर्दी के आई है और पुलिस वाली बन रही है। सो इतना सारा बवाल होने के बाद अभी ये लोग बोल रहे हैं कि आप लोग चलिए हम आपको रूल्स दिखाते हैं कि पुलिस कंपार्टमेंट, सॉरी लेडीज कंपार्टमेंट में पुलिस क्यों नहीं थी। तो मुझे भी इंटरेस्ट है जानने का कि आखिर ऐसा क्यों है। तो चलिए ये लोग अभी मुझे लेके जा रहे हैं दिखाने के लिए, तो देखते हैं ये क्या जवाब देते हैं। सो ये देखिए, ये सारे वो वहाँ पे लेडीज कांस्टेबल भी हैं, ये होम गार्ड है, और यहाँ पे ये लोग अभी मुझे लेके जा रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि इनका एक्चुअली क्या रीज़न है कि लेडीज कंपार्टमेंट में पुलिस नहीं थी। तो हम लोग आ गए इनके पुलिस स्टेशन में। हाँ मैडम, आप जानकारी दे दीजिए। बस ठीक है, ठीक है, बस। तो ये मैडम अभी सर बताएंगे, ठीक है सर। मैंने चर्च गेट से, नहीं इन्होंने बोला कि आपको हम पूरी जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, मोबाइल नीचे करो ना, हम देते ना जानकारी। ठीक है, मैं बाद में बता दूंगी मेरे ऑडियंस को। सो बस यहाँ पे हम मेरी कंप्लेंट लिखवा के ले रहे हैं, जैसे बोले जैसे हम यहाँ पे आए तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिया है, वो मैं आपके साथ शेयर करी। अभी बस यहाँ पे वो मेरी कंप्लेंट लिखवा के ले रहे हैं और इनकी इन्होंने इंक्वायरी भी कर ली है। फाइनली हम लोग वहाँ से बाहर आ गए, क्योंकि उन लोगों के साथ बहस करके कोई मतलब नहीं है। मेरा एक सिंपल सवाल था पुलिस से, रेलवे पुलिस जो भी वहाँ थी, कि मैं चर्च गेट में 12:28 की मैंने ट्रेन पकड़ी है और मैं अंधेरी में उतर रही हूँ, 1:10 हो गए थे, उस वक्त तक पूरे कंपार्टमेंट में एक भी पुलिस वाला नहीं आया, तो ऐसे क्यों? मुंबई में किसी भी जगह पर आप किसी भी लोकल में बैठ जाओ तो 10 बजे के बाद पुलिस को होना ही है लेडीज कंपार्टमेंट में। लेकिन और एक है कि जो फर्स्ट लेडीज कंपार्टमेंट होता है रेलवे का, उसमें तो मतलब 100% पुलिस होती ही है। तो मैंने बस जाके उनको पूछा कि भाई यहाँ पर तो मुझे बहुत सारी पुलिस दिख रही है, लेकिन मैं वहाँ से ट्रैवल करके आई हूँ चर्च गेट से अंधेरी तक, एक भी पुलिस वाला नहीं था, और वो भी 12 से 1 बजे के बीच में पुलिस वाला नहीं था। मतलब क्या हमें कुछ हादसा होने के बाद ही जागना है क्या? एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये मेरा हक नहीं बनता मैं पूछूं कि भाई लेडीज कंपार्टमेंट में पुलिस वाला क्यों नहीं है। जब मैंने उनसे पूछा तो वो मुझे जवाब दे रहे कि वहाँ पे 1512 नंबर ले होता है, आपने हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करना चाहिए था। लेकिन मुझे बताइए, क्या मेरे पास इतना वक्त रहेगा ये मेरा लॉक खोलूं, मैं ये खोलूं, फिर मेरा मोबाइल निकालूं और फ़ोन करूं? मतलब मेरे साथ अगर कोई इंसिडेंट हो रहा है, कोई आके मुझे मार रहा है या फिर मेरे साथ कुछ गलत चीज़ कर रहा है, तब मेरे पास क्या टाइम है
तो ऐसे वक्त के लिए क्या जरूरी नहीं है कि इनकी पुलिस ऑलरेडी कंपार्टमेंट में हो? तो उस बात पे वो लोग मेरे से झगड़ा कर रहे हैं। मतलब वहाँ पे कुछ पुलिस थी जो कि अच्छी थी, मैं तो इतना झगड़ा करके बहुत थक भी गई, ब्रीदिंग पीछे हो गया इतना। मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है इंडिया में क्या? मतलब कोई हादसा होने के बाद हमें जगना है, ये हो गया, मतलब पूछने का हक नहीं है। तो मैंने अभी फॉर्मल जाके, उन्होंने मुझे बोला, जो मेरे साथ लेडी कांस्टेबल थी वो थोड़ी समझदार लग रही थी, फिर वो मुझे लेके गई। वो दोनों वहाँ पे PSI जाधव करके थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि वो आपको रूल्स बताएंगे कि क्यों नहीं थी। मैंने बोला आपके किसी भी रूल में क्या ये मेंशन है कि किसी भी टाइम में 10 बजे के बाद पुलिस वाला अगर नहीं है तो भी ओके है? मैंने, नहीं ऐसा तो कोई रूल नहीं है। तो ऐसा रूल नहीं है तो फिर आप लोग मेरे साथ क्यों बहस कर रहे हैं? तो इतना सब होने के बाद उन्होंने मेरी एक कंप्लेंट ले ली, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था इतना, मतलब इनके साथ तामझाम करो, कंप्लेंट करो, ये करो वो करो। लेकिन मैंने एक फॉर्मल कंप्लेंट वहाँ पर कर दी है कि जो मैं चर्च गेट से निकली हूँ और यहाँ पे आई हूँ और अंधेरी तक, वहाँ पर तक एक भी कांस्टेबल नहीं था और एक भी होमगार्ड नहीं था। एक बहुत बड़ी बात इस सारे इंसिडेंट के बाद मुझे पता चली है कि पिछले एक महीने से जिस ट्रेन में मैंने ट्रैवल किया है, पिछले एक महीने से उसमें कोई भी कांस्टेबल नहीं होता है उस कंपार्टमेंट में, लेडीज कंपार्टमेंट में। अनदर शॉकिंग थिंग, बट क्या करें, सिस्टम है भाई, ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन अगर आपके साथ भी ऐसे कभी इंसिडेंट होता है तो आपको ज़रूर रिपोर्ट करनी चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। लेकिन तो हमने तो कर दी भाई, लेकिन इस पूरे तामझाम में हमारा जो प्लान था जू बीच का वो कैंसिल हो गया। जो मेरी फ्रेंड रिकॉर्ड कर रही है ये वीडियो, उसको जाना था, उसके लिए मुझे ये सब मैंने तामझाम निकाला था, लेकिन वो कैंसिल हो गया। डोंट वरी भाग्यश्री, हम लोग फिर से जाएंगे जू बीच, लेकिन ये सब झमेला जो हो गया वो तो अभी निपटा के, हमारी लास्ट ट्रेन जो थी वो तो मिस हो गई है ना, हम जू बीच जा पाए ना, हम अभी लास्ट ट्रेन से घर जा पा रहे। फाइनली अभी यहाँ से ओला या उबर बुक करके हम लोग घर जा रहे हैं। आई होप वो ट्रैवल तो हमारा सेफ होगा। लेकिन ठीक है, आजकल ओला और उबर में भी हम देखते हैं कि पैनिक बटन दिया हुआ है, तो ठीक है, वैसे उनके यहाँ पे थोड़ी सेफ्टी लगती है। ऐसे ओला उबर में भी बहुत सारी इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन हमारा भी एक थोड़ा सा फ़र्ज बनता है बींग लेडीज और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, कि हम लोग को भी हमारी खुद की प्रोटेक्शन करनी चाहिए। और हमें भी अगर ऐसे कुछ इंसिडेंट हमारे सामने आते हैं जहाँ पर पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, तो हमें उनको दिखाना चाहिए। तो मैंने वही किया, लेकिन इतना सारा थमझम हो गया, इतना सारा झमेला हो गया, बट फाइनली हम लोग कंप्लेंट करके अभी घर पे जा रहे हैं। तो ये पूरा वीडियो आपने देखा है, पुलिस की इस बर्ताव पे आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये वीडियो आप, मैं नहीं बोल रही हूँ कि मेरी प्रमोशन के लिए मेरे को ये वीडियो वायरल करना है, बट ये वीडियो आप प्लीज़ लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि ये वीडियो अगर हम लोग ज़्यादा शेयर करेंगे तो हम लोग गवर्नमेंट को पूछ सकते हैं, ये रेलवे मिनिस्ट्री को पूछ सकते हैं कि ये सही है क्या। अगर आप पुलिस, आपने बोला है कि लेडीज़ कंपार्टमेंट में 10 बजे के बाद पुलिस होती है, आप नहीं दे रहे हो, तो अगर हम सवाल पूछ रहे तो ये गलत है क्या? आप जो काम कर रहे हैं वो गलत नहीं है? तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके आसपास के लोग भी इसके बारे में अलर्ट हो। तो चलिए मैं अपना वीडियो यहाँ पे बंद करती हूँ और हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और मैं मिलूँगी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और इस पूरे तामझाम पे और जो जितना सब झमेला हुआ उस पर भी मुझे आपके रिएक्शन सुनने, आपके साथ कभी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।